वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों? ये कौन है जो आपको याद कर रहा है? अच्छी कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों? कौन है जो आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है? अच्छी कौन है जो मेरे व्यूअर को मिस कर रहा है राइट नाउ? हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई? नाइन ऑफ कप्स, काफी अट्रैक्टिव पर्सन है ये पर्सन। इसकी पर्सनालिटी काफी गुड लुकिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन, इस पर्सन की कभी विश रहे हैं आप, ठीक है। इस पर्सन ने यहाँ पर, ये पर्सन और आपके बीच एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहा है, लेकिन इस वक्त राइट नाउ फीलिंग ऑफ लॉस, कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप एक वक्त में इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव था, काफी कनेक्टेड था। एक होपलेस एनर्जी में ये पर्सन अब इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ डिस्कनेक्ट है, होपलेस हुआ हुआ है। ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए एक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप विश की तरह थे, आपको बहुत एक चार्मिंग और बहुत ज्यादा एक चार्मिंग पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह ये पर्सन आपको दिखता आया है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या चल रहा है। गिव मी वन कार्ड, वन लास्ट कार्ड। ओके, नर्वस है, काफी कंफ्यूज है सृष्टि को लेकर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है आपके पार्टनर के माइंड में सृष्टि को लेकर। यहाँ पर इस पर्सन ने कभी आपको विश किया था, ये पर्सन आपको विश कर रहा था अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, कौन है जो मेरे व्यूअर को मिस कर रहा है और क्यों? क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सैजिटेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। मुझे यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की ज्यादा वाइब है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ कप्स, आप लोग के बीच मैरिज होने वाली थी, कमिटमेंट होने वाली थी, आप कमिटमेंट और मैरिज की तरफ गए थे। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, आप लोग की रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ठीक है। एक सडन चेंजेस आए, आप लोग मैरिज की तरफ, आप लोगों की मैरिज कमिटमेंट, आप लोग की मैरिज और कमिटमेंट की रिलेशनशिप को डील कर रहे थे, ठीक है। ये कनेक्शन इस पर्सन की विश था, आप लोग के रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में थे या मैरिज की तरफ जा रहे थे, या कमिटमेंट और मैरिज इस रिश्ते में लीड कर रही थी, ठीक है। ये वो इंसान है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ वेंड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वेंड्स, हु इज मिसिंग यू, कौन है जो आपको मिस कर रहा है? काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी में है राइट नाउ, स्ट्रेस बर्डन, ओवर थिंकिंग करना, एक सोल बर्डन लेकर चलना। ये पर्सन इस वक्त राइट नाउ किसी बर्डन बर्डन से, ये पर्सन जैसे कि बर्डन बर्डन ऑफ एक बर्डन वाली एनर्जी है। इस पर्सन ने एक टाइम में आपको, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट सोची थी, आपको एक अपने लिए एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा था। आप लोगों के बीच एक कमिटमेंट और मैरिज होने वाली थी या मैरिज और कमिटमेंट तक बात गई थी। राइट नाउ किसी स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, मेंटली स्ट्रेस इस पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहा है। होपलेस एनर्जी और फीलिंग ऑफ लॉस वाली एनर्जी, एक मतलब के मैरिज करनी, यहाँ पर एक मैरिज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ कप्स, किस तरीके का इमोशनल लॉस है? ओके, कम्युनिकेशन को लेकर, बातचीत को लेकर यहाँ पर एक इमोशनल लॉस है। आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पे पुअर हो चुकी है, कम्युनिकेट नहीं हो पाती है, बहुत क्लियरिटी नहीं है कम्युनिकेशन में, बहुत डुअल एनर्जी, डुअल माइंडसेट है। बात भी करें तो क्या बात करें, बातचीत की भी जाए तो क्या बातचीत की जाए, क्योंकि किसी तरीके का स्ट्रेस है यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। ये होपलेस हो चुका है इस रिश्ते को लेकर, इस एनर्जी को लेकर, और डुअल माइंडसेट में है, डुअल एनर्जी में। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, हीलिंग, ये पर्सन हीलिंग चाह रहा है। काफी नर्वस है, काफी कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा डिसार्ड है राइट नाउ। ये आपको याद करता है, ठीक है। आप इसकी लाइफ की, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है इसको भी जस्टिस नहीं मिला, ठीक है। आप जिसको डील कर रहे हैं उस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि उसको जस्टिस नहीं मिला, या तो इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने जस्टिस नहीं करा, आपने चीट किया इसके साथ, ये रिश्ता आपके ऊपर कोई सारा ब्लेम आपको दिया गया, ठीक है। या तो आपकी तरफ से इस पर्सन को बहुत ज्यादा शिकायतें थी, बहुत ज्यादा कंप्लेन थी, या चाहे इसका डाउट था या कुछ भी था, इसको ट्रस्ट इशूज थे, कुछ भी था इस रिश्ते में, कोई ना कोई ट्रस्ट इशूज थे। इस ये रिश्ता किसी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खत्म हुआ है। यहाँ पर कोई माइंड गेम्स आप लोग के बीच खेले गए, पर्सन को ऐसा लगा है कि आपने माइंड गेम्स खेले, यहाँ पर आपने इस रिश्ते में वो वैल्यू और वो मतलब के वो
वो सब चीजें ऐड नहीं करी। ये रिश्ता आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, ये रिश्ता आप लोगों का काफी पैशनेट था, आप लोग के बीच एक इक्वल लव था। राइट नाउ मतलब एक ब्लॉकेजेस पे आकर आप लोग खड़े हो चुके हैं, ठीक है। एक मुझे इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस नजर आ रही है, पुरानी जैसी बात नजर नहीं आ रही, बहुत ज्यादा बर्डन सम एनर्जी है, स्ट्रेसफुल एनर्जी है। एक दूसरे को क्या कहें, आगे क्या हो सकता है, कोई होप नहीं है, बस हीलिंग चाहिए। राइट नाउ अभी पास सिचुएशन से निकलना, अपने आप को हील करना है। इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ये पर्सन आज भी आपको याद करता है, या आपसे बात नहीं करता तो डिस्टर्ब रहता है, या आपसे दूर होता है तो डिस्टर्ब रहता है, स्टॉकिंग एनर्जी रहती है, बहुत ज्यादा पेन है इसके अंदर, डिस्टर्बिंग एनर्जी इसको, ये आपको ब्लेम देता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने इसको वो वैल्यू, वो टाइम, या इसको इसको आपके ऊपर इसको फील ही होता है आपने इसको किसी और के साथ चीट करा है, आपने इसको आपने धोखा दिया है, इसको आपने इनजस्टिस किया है, आपने इस पर्सन ने आपने इसके साथ माइंड गेम खेले, ठीक है। इस पर्सन ने आपको लव दिया, अनकंडीशनल प्योर लव दिया, लेकिन आपने माइंड गेम्स खेले। कोई ऐसा कनेक्शन है कि किसी की डाउट की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ, ये वो इंसान है जिसके डाउट्स ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया, या जिसके शक ने, या जिसके गुस्से ने, बहुत ज्यादा एक शॉर्ट टेम्पर होने की वजह से, बहुत ज्यादा डाउट करने की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है, या कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन का। लेकिन ये रिश्ता किसी इसी वजूहात की वजह से एंड हुआ है। कोई मिसिंग यू, कौन आपको राइट नाउ मिस कर रहा है? ये वही पर्सन है जहां पर स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट था, ठीक है। यहाँ पे ये वो कनेक्शन है जहां पर रिश्ता बैलेंस हो रहा था, या आप लोग किसी बैलेंस रिलेशनशिप में चाह रहे थे। कोई मिसिंग यू, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये वो पर्सन आपको सोच रहा है, आप जिसके साथ स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने खुद को होल्ड रखा हुआ है, अपने पैशन को होल्ड रखना चाहते हैं, और आप काफी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर कर इस रिश्ते में खड़े हुए हैं। आप चाह रहे हैं आपको इस पर्सन की तरफ से एक ऑफर मिले, ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड मेजर कमिटमेंट ऑफर आप इस पर्सन की तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप थोड़े से ईगो की वजह से भी ऐसा हो सकता है, आपने इस रिश्ते को लूज कर दिया, आपके पर्सन की कुछ यहाँ पर इमेच्योरिटी थी, कुछ डाउट्स थे आपके पर्सन के, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी थे, लेकिन आपने भी यहाँ पर थोड़ा सा एक आप अपने आप को एक अपने ईगो सेल्फ को आप मतलब के हर्ट नहीं करना चाहते, अपने आप इंसल्ट नहीं करवाना चाहते, आप दूर बैठकर काफी ट्रिक्स और ट्रिक्स लगाकर आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वापस रिटर्न अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने आप को होल्ड करा हुआ है, आपने अपना पैशन होल्ड करा हुआ है, आप चाह रहे हैं पर्सन आपकी लाइफ में खुद आपको अप्रोच करे, आपको खुद एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर दे, आप खुद को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर भी थोड़ी सी कंट्रोलिंग करने वाली एनर्जी, आप कंट्रोल करना चाहते हैं इस वक्त राइट नाउ, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आप एफर्ट दिखाएं, आप चाहते हैं आप ये पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाए, आप इस वक्त एक कंट्रोलिंग माइंडसेट में है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पे ये वो कनेक्शन है जहां पर आपको ऐसा ही लगता रहा कि इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको एक बैलेंस लव नहीं दिया। आप स्टॉक एंड सर्च करते हैं, आप इसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, इस रिश्ते को आप वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका ऐसा हो सकता है कंट्रोलिंग माइंडसेट है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, या आप एक मतलब कि आपको लगता है कि कंट्रोल होना चाहिए। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओके आपके आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहा है, कोई चीजें आपसे हाइड कर रहा है, एक होपलेस एनर्जी है इस रिश्ते में, ठीक है। अगर आप लोग की बातचीत हो भी रही है तो आपको वो बैलेंस फील नहीं हो रहा, एक होपलेसनेस फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन अभी राइट नाउ कोई ना कोई हाइड कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। आप यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी जितनी चाहते हैं, आपको इस पर्सन से बात करके एक ही चीज फील हो रही है, इसके ये कुछ और हाइड कर रहा है। आप लव को लेकर क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं ये पर्सन आपको लव करता है या नहीं करता है, आपके साथ मैरिज या कमिटमेंट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, आपको क्लैरिटी चाहिए फर्दर फ्यूचर को लेकर। आप नहीं चाहते ये पर्सन होल्ड बैक करे, आप चाहते हैं अब आप लोग के रिलेशनशिप में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ये वो कनेक्शन है जो खत्म हो चुका है, लेकिन आप वापस या तो कनेक्ट हुए हैं इस इंसान से, आप लोग के बीच कन्वर्जेशन चल रही है, ये पर्सन काफी स्ट्रेस आउट हुआ हुआ है, आप काफी अट्रैक्टिव है इस इंसान की तरफ, ये इंसान भी आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन आप लोग के बीच एक बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक पेजेस की एनर्जी में डील कर रहा है, ये पर्सन हील करना चाह रहा है आपको भी और सिचुएशन को भी, लेकिन ऐसा मतलब कि एक पेज की एनर्जी में डील कर रहा है ये इंसान आपको। बहुत ज्यादा जिस तरीके से आप लोग का रिश्ता शुरू हुआ था, जहां से स्टार्ट हुआ था मैरिज और कमिटमेंट से, वहां की चीजें नहीं चल रही, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, ये आपको सिर्फ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में डील करना चाहता है, ठीक है, और हीलिंग करना चाहता है आपकी भी और अपनी भी। लेकिन यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ एक मैरिज और कमिटमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वापस को कंट्रोल में लेना चाहते हैं, आप वापस चाहते हैं कि आप इस वक्त अपने आप को होल्ड कर रहे हैं ताकि ये पर्सन अपनी तरफ से वो चीज शो करे जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिक्स ऑफ
पार्टिकल की एनर्जी, आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, ठीक है, एक होपलेसनेस है यहाँ पर, कुछ है जो वापस शुरू हो सकता है लेकिन आपको लगता है ये इंसान देख नहीं पा रहा। अभी भी आप लोग के बीच गुंजाइश, बाकी चीजें स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई भी चीज स्टार्ट नहीं हो सकती, आप लोग दोबारा पुराने रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ठीक है, ओके। ये वो इंसान है जो आपको मिस करता है, लेकिन ये आपको क्यों मिस कर रहा है, इसके वजह भी आपसे एक बैलेंस लव नहीं कर रहा है, कुछ आपसे छुपाता हुआ नजर आ रहा है, या इसको होप नजर नहीं आ रही है इस रिश्ते में, वजह क्या है आपको मिस करने की, वजह क्या है आपको सोचने की, ये आपको मिस क्यों कर रहा है। जस्टिस, ये पर्सन जो है ना यहाँ पर एक तो कंफ्यूज है, ठीक है, ये जानना चाहता है ये पर्सन इसका सेल्फ क्या चाहता है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है और मैनिफेस्टेशन कर रहा था बहुत टाइम से, ये सृष्टि को काफी क्लोजली देखना चाहता है कि सृष्टि में क्या क्या कुछ बैलेंस हो सकता है, क्या ये अभी आप लोगों को कुछ दे सकता है। क्लैरिफाई जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है, ये मेरे व्यूवर से क्या चाह रहा है, ये क्यों मेरे व्यूवर को मिस कर रहा है, क्लैरिफाई जस्टिस। क्लैरिफाई जस्टिस, आप यहाँ पे, ये आपकी एनर्जी, आप इस इंसान से जस्टिस चाहते हैं, आप काफी इससे अट्रैक्टिव हैं, आप काफी इससे कनेक्टेड हैं, आप लोगों के बीच कोई टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, आप लोगों के बीच एक नेगेटिव अट्रैक्शन रही है, बहुत पुराना कनेक्शन है, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ या कॉलेज या स्कूल से स्टार्ट हुआ हुआ कनेक्शन है, या सिक्स ईयर या तो सिक्स ईयर नाइन ईयर्स ओल्ड कनेक्शन है ये पर्सन, या सेवन ईयर्स का पुराना कनेक्शन है, ठीक है, 10-15 साल पुराना भी हो सकता है, 6 साल पुराना, 7 साल पुराना हो सकता है, आप लोग के बीच कोई ना कोई टॉक्सिक कनेक्शन रहा है, ठीक है, एक फिजिकल बेसिस पे, एक फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत है इस कनेक्शन में। आप यहाँ पर एक जस्टिस चाह रहे हैं, आप यहाँ पर बैलेंस चाह रहे हैं, आप इस स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिले इस रिश्ते को लेकर, आपको एक क्लैरिटी मिले, आप यहाँ पर आपका ड्रीम है मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, आप यहाँ पर कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप पता करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में क्या, इसका आउटकम क्या हो सकता है, इस कनेक्शन और आपके इस पर्सन और इसके आपके बीच क्या स्टार्ट हो सकता है, आप जानना चाहते हैं, ठीक है, ओके। ये पर्सन क्या चाह रहा है इस सिचुएशन से, ये क्यों आपको मिस कर रहा है, या आप लोग के बीच अभी तक क्यों कनेक्शन कायम है, ये पर्सन इमोशनली डिटैच है, मैं आपको इतना क्लियर कट बता दूं, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, ये पर्सन एक डिटैचमेंट पे है, वो इमोशनली ये इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ये पर्सन मतलब कि एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या फैमिली को चूज कर रहा है, या फैमिली यहाँ पर अगर इसको इस रिश्ते को नहीं चाहती, ये पर्सन बहुत ज्यादा डीप डाउन डिस्टर्ब है इमोशनली और डिटैचमेंट पे है आपसे, वो अटैचमेंट मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है, आपको लेकर काफी कंफ्यूज है, फैमिली तो बनाना चाहता है लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक डिटैचमेंट पे, इस पर्सन को यहाँ पर एक डाउट्स हैं, फीलिंग ऑफ डाउट्स, डिस्कनेक्ट रहना, इल्यूजन रहना, फियर रहना, ये डिटैच हो चुका है इस फियर से, शायद इसको पास में आपको काफी खोने का डर रहा है, लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है डिटैचमेंट पे है, एक डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत डिटैचमेंट रही है आप लोगों ने, या तो आपने इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश बहुत ज्यादा की है, ठीक है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, एक कंट्रोल, एक पुश एंड पुल का रिलेशनशिप रहा है, आपने आप एक टाइम में आके आपने कॉन्फिडेंस में आके इसको लूज किया है अपने, ठीक है, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, इन एंड आउट एनर्जी, ये पर्सन आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, कोई और थर्ड सिचुएशन आप लोग के बीच जरूर जुड़ी हुई है जो आप लोग के मैसेजेस इधर उधर करती है, ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में किसी तीसरे इंसान से जरूर बात करता है और इसके माइंड में कंफ्यूजन है, ठीक है, बेहद कंफ्यूजन है, ये क्लियर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, पहले आपको लेकर काफी श्योर था लेकिन राइट नाउ आप श्योर नहीं है, ठीक है, आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का, ये आपके साथ एक मतलब कि जो कंफ्यूजन है ना ये क्लियर करना चाहता है, इसको चाहिए क्या, लेकिन ये जब से या तो अगर आपके साथ कांटेक्ट में आया तो उसको एक डिटैचमेंट से फील हो रही है, आपको लग रहा है कि पहले जैसा रिश्ता आप नहीं बना पा रहे, चाहकर भी इसको एक पहले जैसे रूटीन में नहीं डाल पा रहे, ठीक है, पहले जैसी आप लोग के बीच चीजें नहीं हो पा रही, आप जितना क्लैरिटी चाह रहे हैं उतनी डिटैचमेंट दिख रही है, एक इन एंड आउट है, इस ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, ये पर्सन कभी बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कभी अच्छे से बात नहीं कर रहा, कोई तीसरा इंसान जरूर है जिससे ये रिश्ते के बारे में मतलब के जिससे डिस्कशन करता है, इस पर्सन को काफी कंफ्यूजन है यहाँ पर इस रिश्ते में, क्या आउटकम हो सकता है इस रिलेशनशिप का, लेट्स सी यहाँ पर होने क्या वाला है,
स्टॉकिंग रहने वाली है, स्टॉकिंग सर्चिंग, आप लोग इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को स्टॉक एंड सर्च करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर नजर रहने वाली है, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पे मेरे व्यूवर्स आप जरूर इंतजार करने वाले हैं सिचुएशन का, ये वेट करने वाले हैं। आप इसकी रूट्स पे काम करेंगे, इस रिश्ते की यहाँ पर एनर्जी पे काम करना चाहते हैं। आप काफी यहाँ पर एक्साइटमेंट और थ्रिल लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप इसको वापस अपनी लाइफ में रिटर्न चाहते हैं, ठीक है, बाय हुक और कुक, ठीक है। यहाँ पर आप इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं सक्सेसफुल ये रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आ जाए, सक्सेसफुली आप इस रिश्ते को वापस अपनी लाइफ में अचीव कर लें। ये पर्सन काफी डार्क नाइट ऑफ द सोल, अकेले रहना चाह रहा है, अकेले रहना चाह रहा है, कोई होप तलाश कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको लगेगा एक जिद्दी हुआ हुआ है, जिद में आया हुआ है, आपकी सुन नहीं रहा, समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जैसे कि फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफी नेगेटिविटी इस पर्सन के माइंड में सृष्टि को लेकर, सिचुएशन को लेकर बैठ चुकी है, ठीक है। इसके थॉट्स आपको लेकर मतलब कि स्टेबल नहीं हो पा रहे, इसको ऐसा लग रहा है इसका सिंगलहुड ज्यादा अच्छा है या सिंगल ये ज्यादा एंजॉय कर रहा है। ये आपको लेकर कोई खास क्लैरिटी पे नहीं आता हुआ नजर आ रहा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट डिफरेंसेस, या तो ये पर्सन काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, इस पर्सन का माइंड काफी कंजर्वेटिव है और आपका माइंड काफी फ्री वाला है, ठीक है। ये मैरिज उसी जगह करना चाहता है जो इसके जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, जिसके साथ ये एक मतलब कि सेफ एंड सिक्योर कनेक्शन बना सके, ठीक है। ये कभी भी कंफ्लिक्टेड और चेजिंग एनर्जी, बहुत मुश्किल से इसने आपको अपने आप को सिंगल ग्रो करना स्टार्ट किया, ये एट दी एंड यहाँ पर अपने आप को सिंगल ग्रोथ इसको ऐसा लग रहा है ज्यादा अच्छी हो रही थी, ना कि एक चेजिंग, अपनी चेजिंग एनर्जी से निकला। ये वो इंसान है जो आपको शायद बहुत टाइम से चेज कर रहा था, बहुत टाइम से आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट होना चाह रहा था, या आपके साथ एक रिलेशनशिप या रिकंटिन्यू करना चाह रहा था। यहाँ पे कोई ना कोई डाउट्स या नेगेटिविटी या किसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से रिश्ता ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का रिश्ता अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन एक डिसकनेक्ट हुआ आपके पर्सन के, आपके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन की बहुत ज्यादा बातें सुनी, या तो आपके पर्सन को मिसगाइड किया गया आपके सेल्फ को लेकर, या आपको लेकर कोई ऐसे प्रूफ दिए गए कि आप एक नेगेटिव इंसान है या गलत इंसान के साथ है ये इसकी लाइफ, ठीक है। ये गलत इंसान को अपनी लाइफ में मतलब कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप, एक मैरिज और कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, या तो मैरिज और कमिटमेंट तक पहुंचा गया रिलेशनशिप, डिस्टर्ब हुआ, खराब हुआ, ठीक है। आपके पार्टनर डिस्कनेक्ट नजर आ रहे हैं, बहुत ये पर्सन डिस्टर्ब है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को अकेले संभालना चाह रहा है। पहले इसको लगता था आप इसको खुश कर सकते हैं, आप जब से या तो कनेक्ट होंगे इसकी लाइफ में, तो कनेक्ट हो चुके हैं, आप इसको वो खुशी वो पीस नहीं दे पा रहे। इसको सिंगलहुड, इसने सिंगल रहना ज्यादा सीख लिया, आपने या तो इसको आदत डाल दी है सिंगल रहो ग्रो करोगे, या सिंगल इसको सिंगलहुड ज्यादा इसको अपना एक सेल्फ इसको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये अपने आपको वैसे वहां बैलेंस ज्यादा फील कर रहा है, ठीक है। ग्रो कर रहा था ये थोड़ा सा एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली का पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, एक मतलब के ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहता है, एक ऐसी मैरिज, ऐसा इंसान जो उसकी लाइफ में ट्रेडिशन को फॉलो करके मैरिज करेगा, इसकी ट्रेडिशनल मैरिज रहे लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। तो वो वाला माइंडसेट है। तो इस वीडियो को यहाँ पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।